सकते हैं पूरे समाजवादी रंग में रंगा यह गाड़ी है और इनसे हम लोग चलिए जानते हैं कि इनका नाम क्या हुआ जी। ये जो आपकी ये गाड़ी है जो समाजवादी रंग में पूरी तरह रंगी हुई है, तो ये कहाँ से मिला है आपको? अच्छा। कि जरा चूक जाओ पलट जाए गाड़ी, आपकी गाड़ी तो और पलट जाएगी, अगर गड्ढे में गई तो और पलट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गोपी राजभर के लिए क्या कहेंगे, जिस प्रकार अभी कुछ दिन अखिलेश यादव के गुणगान कर रहे थे, अभी आज उनके विरोध में खड़े हैं, कह रहे हैं कि सैफई भेज देंगे। ध्यान दीजिए, 51,000 रुपए अंगूठी का चैलेंज कर रहे हैं। अयोध्या की धरती से आके आपको 51,000 रुपए और 1 सोने की अंगूठी देने का काम करूंगा। नमस्कार, इसमें हम लोग घोसी विधानसभा क्षेत्र में मऊ जिले के उत्तर प्रदेश राज्य के, और पीछे आप देख पा रहे हैं एक जो है कि इस प्रकार की इनकी गाड़ी है, स्वयं भी आप देख सकते हैं पूरे समाजवादी रंग में रंगा यह गाड़ी है और इनसे हम लोग चलिए जानते हैं कि इनका नाम क्या हुआ। और नाम तो इनका आप देख सकते हैं इसी पर, पंडित समरजीत सिंह और जिला उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अयोध्या के, और पूर्व छात्र संघ मंत्री साकेत महाविद्यालय अयोध्या फैजाबाद, और यहाँ पर चल करके पहुंचे घोसी विधानसभा क्षेत्र में मऊ जिले के। क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी का माहौल कैसा लग रहा है इसमें घोसी विधानसभा? माहौल की बात ना कीजिए, लहर की बात कीजिए। अच्छा हाँ जी, यहाँ समझ लीजिए समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। हाँ, मतलब इस बार क्या लगता है कि मतलब इस बार समाजवादी पार्टी मतलब लहर के साथ जीत जाएगी? लहर के नहीं, देखिए यहाँ की जनता ने लहर पैदा कर दिया। यहाँ की जनता पूरे देश को बताना चाहती है कि अब बदलाव होने जा रहा है, भाजपा का सफाया होने जा रहा है। हाँ जी, ये जो आपकी ये गाड़ी है जो समाजवादी रंग में पूरी तरह रंगी हुई है, तो ये कहाँ से मिला है आपको? देखिए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पेशली हमारे लिए बनवाए। अच्छा, और ये ऑर्डर पे गाड़ी बनी और इसमें सारी व्यवस्था फिट है। अच्छा। हम चाहे जहाँ जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी जी। मतलब तो अयोध्या से चलकर इसमें घोसी विधानसभा यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या आज ही के दिन यहाँ पर रहेंगे या फिर प्रचार प्रसार भी करने वाले? नहीं, हाँ हम 4 दिन से आए हैं। अच्छा। और लगातार हर ग्राम सभाओं में घूमने का काम कर रहे हैं, माताओं बहनों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, और मैं घोसी का विकास भी देख रहा हूँ कि भाजपा सरकार में क्या विकास हुआ है। हमको केवल एक विकास देखने को मिला कि हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा। कि जरा चूक जाओ पलट जाए गाड़ी, आपकी गाड़ी तो और पलट जाएगी, अगर गड्ढे में गई तो और पलट जाएगी। बिल्कुल 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 पलट जाएगी। हाँ। इसीलिए हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ देखिए जुड़े हुए हैं समाजवादी कार्यकर्ता जो कि लगातार इस समय घोसी विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसा कि दारा सिंह चौहान कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में पलट करके जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो पलट रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? देखिए जनता सम्मान चाहती है, लेकिन जो जनता के साथ धोखा करता है आदमी, उसको जनता जरूर सबक सिखाने का काम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मलाई काट रहे हैं केवल इधर उधर जा करके। अब वही होगा कि यहाँ के जनता के साथ धोखा किए। अब जनता जब उनको हरा देगी तो वही होगा धोबी का कुत्ता, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जहाँ गए हैं वहाँ तो वहाँ भी तो सम्मान नहीं पाएंगे। राजनीति में जो व्यक्ति अपने घर में सम्मान नहीं पाया, वो बाहर कभी सम्मान नहीं पाएगा। ओपी राजभर के लिए क्या कहेंगे, जिस प्रकार अभी कुछ दिन अखिलेश यादव के गुणगान कर रहे थे, अभी आज उनके विरोध में खड़े हैं, कह रहे हैं कि सैफई भेज देंगे। वो बेचारे, देखिए असल बात वो हो गए हैं कुछ बुजुर्ग। मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इतना भी तो बुजुर्ग नहीं हो गए हैं। ये भी मैं जानता हूँ कि बुजुर्ग होने पर लोग सठियाते हैं। हाँ। और ज्यादा तब सठियाते हैं जब उनको माइनस पॉइंट दिखाई देता है। हाँ, मतलब अब वो जान गए हैं कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो इसी जनता को कभी बताते हैं 12 बजे बुद्धि आएगी। हाँ। कभी 2 बजे बुद्धि आएगी। अरे जहाँ जिस थाली में खाए उसी को आप 12-1 बजे बता रहे, तो वही जनता अब इनको सबक सिखाने जा रही है। क्या लग रहा है मतलब क्यों इधर उधर घूम रहे हैं वो? क्या लगता है मतलब क्या अपने लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं? बता दिए कि वो दोनों लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। जो जनता के साथ विश्वासघात करता है, जनता भी उसके साथ विश्वासघात करने जा रही है। अरे हम चैलेंज करते हैं कि जिस दिन ये बीजेपी को यहाँ सीट निकलवा लेंगे, मैं अयोध्या से आके 51,000 रुपए एक अंगूठी सोने की देने का काम करूंगा। जी राजभर जी सुनिए, ध्यान दीजिए, 51,000 रुपए अंगूठी का चैलेंज कर रहे हैं। राजभर जी स्वयं देख लीजिए, मैं पंडित समरजीत अयोध्या की धरती से आके आपको 51,000 रुपए और 1 सोने की अंगूठी देने का काम करूंगा जिस दिन यहाँ आप विजय पा गए। कुछ कहना चाहेंगे जो जिस प्रकार से कार्यकर्ता, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता है अनुशासन में नहीं है, जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव जी मंच पर थे और लोगों का जमावड़ा कहीं मंच को भी ढकेल लेंगे, कुछ ऐसा लग रहा था? देखिए अब हम आपको बता दें,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति इतना लगाव है लोगों में, समाजवादी पार्टी के प्रति इतना लगाव है लोगों में कि जैसे लोग इतनी चाहत में आते हैं उनको देखने के लिए, उसी चाहत में दौड़ लगा देते हैं। एक इशारा कर दें, ज्यादा ऊपर से बस उतना ही बहुत हो जाए। ना बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चाहत में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश क्या देश की जनता बैठी रहती है। और ये जो आप न्यूज चला रहे हो घोसी विधानसभा की, पूरे भारत में इस समय यहाँ इस विधानसभा का चुनाव जो है सबकी निगाहों पे, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे 2024 के चुनाव का ये सेमीफाइनल है। बिल्कुल, हमने क्या कहा अभी कि यहीं से आगाज होगा 2024 का, और यही आगाज बता देगा कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए थे पंडित समरजीत सिंह, थोड़ा इनके व्हीकल को दिखा दीजिए। अयोध्या से चलकर आए हैं और एक अलग ही तरह का यूनिक कहिए तो विकलांग भी हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते आ रहे हैं। लगातार इनके हर मंथली जो है कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात होते रहते हैं और मंत्रणा होती रहती है कि किस प्रकार आगे की रणनीति, चुनावी रणनीति को अपनाया जाएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ घोसी विधानसभा क्षेत्र से, और भी खबरें ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।